हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ का पार्ट टू आने वाला है और फर्स्ट पार्ट एक दिन पहले आया हुआ है और उसमें मैंने 10 क्वेश्चन कवर किए थे जो कि संवैधानिक विकास वाले टॉपिक से थे, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे। आज उसी का पार्ट टू है। आज आपका टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा, कल आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया का, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी पिछले 20 सालों में क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे मैं लेके आऊँगी 2 to 3 पार्ट्स में, ठीक है। वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही एक एक टॉपिक हम ख़त्म करते हुए चलेंगे। पॉलिटी ख़त्म होने के बाद देन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सारे ही सब्जेक्ट हमारे इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ख़त्म किए जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, एक बेहतरीन रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आगे RO AR O का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है दिसंबर में। तो तब तक हमें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं PCS लेवल पे, IAS लेवल पे या अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम में, तो वो सारे हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। क्योंकि बिना प्रीवियस क्वेश्चन किए हुए आप कोई भी टॉपिक अच्छे से कवर नहीं कर सकते, कितना भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अपना इवेल्युएशन आपको खुद करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत इनमें से किस अधिनियम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ए ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, डी ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन 1935। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्देशित किया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, बी ऑप्शन केंद्र और राज्य सरकारों की शुरुआत, सी ऑप्शन 2 शासक जैसे कि एक लंदन में दूसरा दिल्ली में, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डी ऑप्शन राज्य में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कमर्शियल राइट, पॉलिटिकल राइट अलग अलग कर दिए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 बनाए गए थे, ठीक है। तो इनके थ्रू जो भी यहाँ पे संचालन किया जाता था, यहाँ वो उस ड्यूअल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ऑप्शन। यहाँ पे राज्य से ज़्यादा प्रांत होता है, प्रांत में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, 1909 का अधिनियम, बी ऑप्शन 1919 का अधिनियम, सी ऑप्शन 1935 का अधिनियम, या डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसमें जो संघीय व्यवस्था की बात की जा रही है, सेंटर की बात की जा रही है, फेडरल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे 1935 का एक्ट सही होगा, क्योंकि जहाँ पे फेडरल की बात की जाती है, तो अगर ब्रॉडर टर्म में इसका यूज हुआ है तो 1935 के एक्ट में हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का निर्णय था, अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित की गई, तो इसका जो प्रावधान था वो किस में शामिल था। तो इसमें ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी ऑप्शन अगस्त प्रपोजल 1940, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो अखिल भारतीय सेवा जो है वो सेंटर की है, केंद्र की बात की जा रही है, ठीक है, एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो केंद्र की जो सेवा है, यहाँ पे फेडरेशन की बात हो गई है, तो 1935 का एक्ट इसमें सही होगा, नो डाउट। तो यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे आपको ए ऑप्शन सही कर देना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि फैक्ट है ये आते हैं PCS में या लोअर PCS में, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, 1935 के एक्ट में स्थापित अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी फेडरल में। अखिल भारत, ए ऑप्शन संघीय विधान पालिका को, बी ऑप्शन प्रांतीय विधानमंडल को, सी ऑप्शन गवर्नर जनरल को, और डी ऑप्शन कोई नहीं।
तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा गवर्नर जनरल को, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या सही होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय व्यवस्था स्थापित की गई, ए अखिल भारतीय महासंघ, बी भारत का संघ, सी संयुक्त भारत, डी भारतीय परिसंघ। ये क्वेश्चन जो है MPPSC में पूछा गया था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और वहाँ पे इसका आंसर जो है वो बी सही किया गया है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो सही होना है वो ए सही होना है, क्योंकि फेडरेशन की बात जहाँ पे होती है वहाँ पे भारत के जितने प्रांत थे, ब्रिटिश भारत में जो प्रांत थे, कमिश्नरेट प्रांत थे और देसी रियासतें जो थी, इनको मिला के संघ बनाया गया था, ठीक है, और ये बहुत शक्तिशाली था। तो इस वजह से जब द्विस्तरीय संघ की बात होती है तो वहाँ पे अखिल भारतीय संघ पहले आता है, ऑल इंडिया फेडरेशन, क्योंकि ये बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव है फेडरल सिस्टम का, ठीक है। तो इसको ऑप्शन यही सही करेंगे हम, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं माना जाएगा। अगर UPSC या UPPSC के थ्रू इसको पढ़ा जाता है या फिर आप लक्ष्मीकांत के थ्रू पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसको ए ऑप्शन ही माना जाएगा, अखिल भारतीय संघ भारत का संघ नहीं मानते हैं, ठीक है, थीके? तो आप ए ऑप्शन ही मानिए इसको। 1935 का एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ए भारतीय संविधान का स्रोत, बी इससे हमें आज़ादी मिली, सी भारतीय विभाजन का इसमें उल्लेख किया गया है, डी रियासतें इसके थ्रू ख़त्म की गई थी, ठीक है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो सबसे ज़्यादा ये है 1935 के एक्ट का। थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि इस अधिनियम का पहले प्रोविज़न देखते हैं कि इसमें क्या क्या था शॉर्ट में। पहला, इसमें एक संघीय सरकार की स्थापना की गई, ठीक है, प्रांतों में ड्यूअल सिस्टम की जगह पे ऑटोनॉमी जो एक गवर्नमेंट होती है वो स्थापित की गई, और इसके बाद यहाँ पे केंद्र में ड्यूअल सिस्टम लाया गया, ठीक है, विधानमंडल ड्यूअल बनाया गया, प्रांत में शासन व्यवस्था और जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, ये किया गया, और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसकी वजह से आप अपना का संविधान भी उठा के देखो ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान का स्रोत 1935 का एक्ट है, जो कि सबसे बड़ा स्रोत है। हमने लिया अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत सारी चीज़ें हमने ली हैं, लेकिन मेजर जो चीज़ें ली गई हैं ना वो 1935 के एक्ट के थ्रू ली गई हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा ए ऑप्शन, भारतीय संविधान का स्रोत। आज़ादी मिलने से लेकर इसका उल्लेख है नहीं, भारतीय विभाजन का उल्लेख है नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू हुआ था। तो नॉर्मल सी बात है, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करेंगे तो काफ़ी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, सही हो जाती हैं। नेक्स्ट, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बन गई, ठीक है। देखो जहाँ पे ड्यूअल सिस्टम की बात आएगी संघ में, तो 1935 का एक्ट सही होता है, ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम की बात आएगी कि पहली बार कब इंट्रोड्यूस की गई, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, पहले ऑप्शन सारे देख लेते हैं। ए ऑप्शन 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। डी ऑप्शन को हटा देते हैं कि 1935 तो होना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं। तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम तब भी नहीं हुआ था, बी ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 का जो एक्ट है वो सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके जाना जाता है। सी ऑप्शन में जो सेपरेट इलेक्टोरेट तो था ही, उसका विस्तार किया गया था, उसके साथ ही विधान पालिका में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी बात की गई थी। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, ना कि डी ऑप्शन, ठीक है। तो आज की सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है, और पार्ट टू आपका ख़त्म हो गया है, और आपका एक टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर आप रिवाइज भी करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, एक से दो बार वीडियो देख लेना तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और नेक्स्ट कल न्यू टॉपिक आएगा, संविधान सभा और संविधान निर्माण, तो उसको लेके जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन बने हैं वो सारे मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो एक से दो पार्ट में वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आता है कि मैं कैसा कर रही हूँ।
तो मैं कुछ अपडेट करूँगी, कुछ नया लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।